नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube के माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल पे। आज हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताने जा रहे हैं कि चाहे आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, इंटेक्स, सैमसंग, चाइनीज़ या फिर HTC या कोई भी, ठीक है, बस एंड्रॉयड होना चाहिए, वो इस तरीके से 100% गारंटेड रूट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए, बस, और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर पर, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, एक क्लिक करना है कंप्यूटर पे और आपका जो फ़ोन है वो रूटेड हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, शुरू करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप जो है कंप्यूटर पर जाएँ और ये इस ऐप है, ये किंग रूट नहीं है, ये दूसरा ऐप है, kingoapp.com पर जाएँ, kingoapp.com। इस पर जाने के बाद आप ये जो है डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्टवेयर, छोटा सॉफ्टवेयर है 17 MB का, इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए इसे। इंस्टॉल होने के बाद ऐसा मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ऐसा सिस्टम पे आएगा, ओपन होगा, ये इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। आप जिस फ़ोन से को रूट कर रहे हैं वो तो काम नहीं करेगा, दूसरे तरीके से आप इंटरनेट कंप्यूटर को कनेक्ट कर लीजिए कम से कम, ठीक है, चाहे दूसरे वाईफाई से, जैसे भी आपका कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आप चलिए फ़ोन में क्या करते हैं, चलिए अब हम अपने फ़ोन में जाते हैं जिसे रूट करना है। इस फ़ोन में जाने के बाद हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे रूट चेकर ऐप से कि ये रूटेड है कि नहीं, वेरीफाई रूट करेंगे, लिख क्या रहा है, सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट इंस्टॉल, यानी फ़ोन जो रूटेड नहीं है, अब हम इसे रूट करेंगे। तो फ़ोन में आपको एक चेंजिंग करना होगा, जिस फ़ोन को रूट करना है सेटिंग्स में जाके USB डीबगिंग ऑप्शन को एनेबल करना होता है। तो ये कहाँ पे होता है, सेटिंग्स में, पुराने फ़ोन जो होते हैं उसमें यहीं पे रहता है नीचे में। अगर नए फ़ोन है तो उसमें आपको अबाउट डिवाइस में जाइए, यहाँ नहीं है तो, और जाने के बाद आप जो है बिल्ड नंबर जो है उस पर क्लिक कीजिए 6-7 बार लगातार, जैसे क्लिक करेंगे तो अब आ जाएगा आपके, देखिए आ गया होगा, ये डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आ गया, पहले नहीं था। इसमें जाइए, इसके अंदर होता है USB डिबगिंग, ठीक है, ये देखिए USB डिबगिंग, इसे ऑन कर देंगे, ठीक है। अरे हो जा बेटा, हाँ ये हो गया, USB डिबगिंग जो है वो ऑन हो गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब याद रखिए इस फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करना है, डायरेक्टली इसे USB केबल से कनेक्ट करेंगे। चलिए अब ये हम इस ऐप को खोलेंगे किंग रूट को, और अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे USB केबल से और दूसरे छोर को इसके केबल से। अगर आपका USB जो है देखिए, अगर पूछ लीजिए कि आपका USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप अपने डेटा केबल का USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और ये कनेक्टिंग कनेक्ट हो रहा है, कंप्यूटर पे एक मैसेज, आप इस अभी समय आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा इस तरह का, उसे ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद जो प्रोसेस है शुरू हो रहा है, देखिए अब ये फोन जो है ये डिटेक्ट कर लिए कौन सा मेरा फ़ोन है, अब इसे कह रहा है यहाँ पे क्लिक करने पे रूट कर देगा ये। डेफिनेटली आप एक हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, इस फ़ोन के इंटरनेट से नहीं, कोई फ़ोन अदर से या फिर ब्रॉडबैंड या फिर डोंगल से कनेक्ट कर लीजिए अपने PC को। तो अगर बीच में आपका, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे रूट पे, ध्यान रहे कि आपका बीच में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट ना हो, नहीं तो फ़ोन रूट नहीं होगा सक्सेसफुली, क्योंकि सब कुछ यहाँ टोटली ऑनलाइन ही होगा, जो भी फ़ोन को डिटेक्ट करने से लेके उसके जो फाइल्स हैं नेसेसरी, जो रूट्स कर रूट करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे वो टोटली ऑनलाइन ही ये डाउनलोड करता है, ठीक है। हो सकता है आपका फ़ोन जो है बार बार रीस्टार्ट हो इस प्रोसेस के दौरान, तो इस ध्यान दें और वेट करें। बिल्कुल फ़ोन को छूछा नहीं करें इधर उधर, न केबल को। आपके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे भी लिख के आएगा कितने परसेंट रूटिंग हो रहा है, और किंग रूट का आइकन बन जाएगा,
53%, बहुत कम समय लगता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। 98% हो गया, 100%, यस। और ये रूट जो है सक्सेसफुली हो गया हमारा फ़ोन। अब आप डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन पे चेक कीजिए ऑन करके, जो रूट चेकर ऐप है उससे चेक करेंगे फ़ोन रूटेड है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा डिवाइस रूटेड है या नहीं। इसके लिए आप जैसे ही आप रूट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे एक ऐसा किंगो रूट का जो है एक ऐप अलग से इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है एक बार फ़ोन रूट होने के बाद। चलिए अब चेक कर लेते हैं रूट चेकर बेसिक से कि ये फ़ोन रूटेड है या नहीं, हुआ या नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी, वेरीफाई रूट। और अब हम देख लिए ये हमारा फ़ोन जो है वो रूटेड हो गया, गुड। तो ये चीज़ है, इस तरह से दोस्तों फ़ोन को रूट करना होता है। आप भी अपने डिवाइस को रूट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका मदद करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग।